हेलो एम्बुलेंस, जल्दी से यहाँ पर आ जाए, एक आदमी जख्मी पड़ा है। जल्दी। वहाँ पर जी जी आइए, ये देखें। कहाँ है? अभी तो यहीं पर था। यही था, मेरा यकीन कीजिए। वो देखे निशान, यहीं पर था वो। कु सारम गिदारिन्दानुन पिंगेरो ओनजेंगा दासी मान्नाल गोरान इयुरो नोन ह्विगयोंगी नो हानामान बाराबोनेन कु बाबो गातुन आई ओजिदो गाजिदो मोटागे बालमुक गोनोन गोजाना कुरेनोकु वे आलाबोजिल मोटे बोल आलाबोजिल मोटे बारो ने 옆에 있는데 왜 알아보지를 못하냐고. 내 옆에? 꺼내. तुम जानती हो उसे? तुम जानना चाहती हो? नहीं, कुछ नहीं जानना, लेकिन मुझे एक बात का अंदाजा हो गया है कि तुम लियो को पसंद करती हो। सही कहा ना मैंने? हाँ करती हूँ, बहुत पहले से पसंद करती हूँ उसे मैं। मगर ये बात हम क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कि तुम्हारी हकीकत जान चुकी हूँ मैं। मेरे सामने बनने की जरूरत नहीं है। लियो मुझे पसंद करता है और इसी वजह से तुम मुझसे नफरत करती हो। वो लड़का कौन है ये बात मैं तुमसे कभी नहीं जानना चाहूंगी। मैं तुम पर यकीन करूं भी तो किस लिए? तुम अपना एतबार खो चुकी हो। तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड माना, हर बात शेयर की तुमसे, लेकिन तुम इस काबिल नहीं थी शायद। चेंगसोंग तुम बस करो सीमी, तुम लियो को पसंद करती हो और इसीलिए तुम ये चाहती हो कि मेरे दिमाग में ये बात डाल दो ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। क्यों ऐसा ही है ना? तुम कभी मेरी दोस्त थी ही नहीं। है कोई जवाब? दुश्मन हूं ना मैं तुम्हारी? देखो चेंग, तुम कुछ जानती भी हो तो अब मुझे उस बारे में कुछ नहीं जानना। ठीक है, उसने उस रात मुझे एक्सीडेंट से बचाया और उस रात मेरे डैड भी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और मैंने अकेले जीना सीख लिया। मुझे याद भी नहीं आती उनकी। मुझे अपनी जिंदगी में किसी के सहारे की जरूरत नहीं, समझ गई? और रही उस शख्स की बात, उसे अगर मेरी जिंदगी में आना होगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, समझ गई? अगर तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती हो तो मेरा एक मशवरा है, दूसरों के मामलात में टांग अड़ाना छोड़ दो। और ये जो हसद की आग तुम्हारे अंदर जल रही है वो तुम्हें तबाह कर देगी। तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से ही हसद करती रही, ये बात किसी और को मत बताना प्लीज, वरना दोस्ती से एतबार उठ जाएगा लोगों का। तुम जिस मकसद से यहां आई थी वो तो पूरा नहीं हो सका, गुस्सा आ रहा होगा, बहुत गुस्सा आ रहा होगा, जलन हो रही होगी। अगर तुमने उससे सच्ची मोहब्बत की होती तो वो कभी मेरे पीछे नहीं आता, तुम्हारे साथ होता। अभी भी मौका है, सुधर जाओ सीमी, वरना खाली हाथ रह जाओगी। क्या हुआ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे?
तुम्हारी कॉल आ रही है, उठा क्यों नहीं रहे? इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों, कौन है? एक लड़की है, पीछे पड़ी हुई है मेरे। वो मैसेज आया है, वो तो देख लो कौन है। कौन होगा, वही है। पता नहीं क्यों तंग कर रही है मुझे, क्या कहना चाहती है मुझसे। 400 हो गए। प्रॉब्लम क्या है तुमको? हो सकता है उसको तुमसे जरूरी बात करनी हो। ना तुम उसकी कॉल उठा रहे हो, ना मैसेज का जवाब दे रहे हो। मसला क्या है तुम्हारे साथ? सोचा भी है कितना इंतजार कर रही होगी वो। और तुम्हें किसने कहा था कि तुम उसकी जिंदगी में शामिल हो? उसे इंतजार करवाओ, उसका दिल तोड़ो। इसे हो क्या जाता है? वो तुम्हारे बहुत करीब है और मुझे हैरानी है कि तुम उसे पहचान क्यों नहीं रही हो। मैंने उस शख्स के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की? जानना चाहिए था कि वो कौन है। क्यों किया मैंने ऐसा? दरवाजा खोलो। टॉमी जॉन, इतना अंधेरा क्यों है? जॉन, क्या हो गया तुम्हें? तुम उठते क्यों नहीं? आंखें खोलो प्लीज, उठो। डॉमी जॉन, ये सब कैसे हो गया? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना, कॉल करती हूँ एम्बुलेंस को। चेंग सोंग, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, नहीं जाना मुझे। क्यों, तुम्हें जरूरत है? हॉस्पिटल जाना ही होगा तुम्हें। मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। डॉमी जान उठो, क्या हो गया तुम्हें? डॉमी जान उठो, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा, मैं ख्याल रखूंगी इसका। हॉस्पिटल ले जाएं इसे। तुमने ये अच्छा किया कि मुझे यहाँ बुला लिया और एम्बुलेंस को कॉल नहीं की। क्यों, उससे क्या हो जाता? अब ये ठीक है? कोई खतरे की बात तो नहीं? होश कब तक आएगा इसे? मालूम नहीं, बस दुआ है कि जल्द अज जल्द ठीक हो जाए, वरना इसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्या, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस ऐसे परेशान हो रहा हूं इसके लिए। ऐसा करो, तुम अब घर चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जा सकती। जब तक इसे
होश नहीं आ जाता मैं यहीं यहाँ इसके पास, तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है लेकिन देखो मैं नहीं जानता कि तुम्हें ये बात बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन डोमिजॉन जाने वाला है यहाँ से। क्या कहाँ जा रहा है? इसके जाने में सिर्फ 2 महीने रह गए। लेकिन ये जा कहाँ रहा है? किसी और शहर? वापस नहीं आएगा? देखो मैं इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इससे ज्यादा अटैच मत हो, क्योंकि इसके जाने के बाद ये कभी वापस लौट कर आने वाला नहीं है। प्लीज जाओ यहां से। गौर से पढ़ लीजिए और साइन करवा कर मुझे वापस कर दीजिएगा। मैं अपना साइन पहले ही कर चुका हूं। ठीक है, करवा लूंगी। एक्सक्यूज मी। ओके। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? परेशान लग रहे हो। नहीं, मैं जानवरों के अस्पताल में रजाकाराना तौर पर काम करता हूं, तो वहीं से फोन था। वो बता रहे थे कि एक पागल कुत्ता भाग गया है। ओह, भाग गया? वो तो बहुत खतरनाक होगा। बिल्कुल, हमें उसे जल्द अज जल्द पकड़ना होगा। आप चैंग सॉन्ग के लिए परेशान होना छोड़ दें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चैंग की लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाए और जो शोहरत उसने खोई है वो उसे वापस मिल जाए। वो USB हमने उससे हासिल कर ली है, अब परेशानी की कोई बात नहीं। डोमिजॉन का क्या हुआ, कहां गया वो? तुम्हें यकीन है कि वो बचेगा? नहीं, यकीन से तो नहीं कह सकता, पर वो उस वक्त बेहोश हो गया था और एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही वो गायब हो गया। तुम जा सकते हो। गुड इवनिंग डैड। क्या बात है, आज बड़ा लेट आए हो। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? आज के डिनर में कुछ ज्यादा ही खा लिया तो सोचा पार्क में जाकर क्यों ना थोड़ी वॉक कर ली जाए। तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। जी चलो चलते हैं। लगता है बहुत हसीन ख्वाब देख रहे हो तुम इस वक्त। ये ख्वाब टूट ना जाए इसलिए आंख नहीं खोल रहा। उठ गए? चलो नाटक मत करो, उठ जाओ। तुम यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? बैठ जाओ, खाना बना रही हूं ना मैं।
इसीलिए खड़ा था मैं यहाँ। अच्छा अच्छा बस, नहीं करती मैं तुम्हारा नुकसान, खाना बनाने दो मुझे। जब तुम ये खाओगे तो उंगलियां ही चाटते रह जाओगे, बहुत मजे का बनाऊंगी मैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या ख्याल है, खरीद ले? क्या पसंद आ रहा है तुम्हें इसमें? फजूल सी चीजें हैं सब। नहीं नहीं, ये अच्छी डील है, एक के साथ फ्री मिल रहा है, ले लेना चाहिए। कोई भी चीज साथ में फ्री में मिल रही होती है तो मैं खरीदनी होती है। और अपना ऑर्डर बुक कर। छोड़ो ये खाओ। अरे फोन दो मेरा, क्या है, मंगवाने दो ना। अरे मेरा फोन। ख्याल है आइसक्रीम खाली से? मोटी हो रही हो तुम? मोटी हो रही हूँ? सच बताओ, झूठ नहीं बोलना, मोटी हो रही हूँ मैं? फिर नहीं खाऊंगी मैं आइसक्रीम। प्रेग्नेंट हो इसलिए एहतियात करना जरूरी है। ओ, खा लेते हैं ना। वैसे तुम मोटी होकर भी अच्छी लग रही हो। मुझे एहसास हुआ, ऐसे ख्वाब सिर्फ चंद लम्हों के लिए ही होते हैं। अब दोबारा मैं ऐसे ख्वाब कभी नहीं देखूंगा। क्या हुआ, यहां बाहर क्या कर रही हो? कुछ पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रही? डोमी जॉन का क्या हुआ, कहाँ गया वो? तुम्हें यकीन है कि वो बचेगा? नहीं, यकीन से तो नहीं कह सकता, पर वो उस वक्त बेहोश हो गया था और एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही वो गायब हो गया। डोमी जॉन कहाँ है, वो ठीक है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं? तुम कैसे जानते हो ये? कुछ कहते क्यों नहीं? तुम्हारी शक्ल बता रही है कि वो ठीक नहीं है। अच्छा चलो, यूं किसी के दरवाजे पर बैठना अच्छा नहीं लगता। अब बताओ हुआ क्या है? मैं पूरी बात तो नहीं जानती कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन तुम किसी को बताना मत इस बारे में। मगर क्यों? क्योंकि उसने हॉस्पिटल जाने से भी मना कर दिया, जरूर कोई खास वजह होगी। ओ लियो, तुम भी आए हुए हो यहाँ? जी आंटी। मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी, थैंक यू कहने के लिए। किस लिए? तुमने अपने भाई से कहा और वो चैंग के लिए एजेंसी बना रहा है। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया क्या? चैंग सॉन्ग को पहले अपने भाई से बचाओ। कब मिली आप उससे? कल रात ही हमारी मुलाकात हुई है। उसने खुद कहा आपसे? हाँ, उसने खुद कहा है कि वो तुम्हारे लिए एजेंसी खोलेगा और तुम इस एजेंसी के बराबर की पार्टनर होगी। ऊपर बहुत ही अच्छा इंसान है। लियो, तुम सच में नहीं जानते? तुमने ही कहा होगा ना ऊपर से ये सब करने के लिए? नहीं आंटी, मैंने उनसे ये सब नहीं कहा। अच्छा, खैर बातें बहुत हो गई। उसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है मुझे साइन करने के लिए। चैंग,
इतना पढ़ क्या रही हो? साइन कर दो कॉन्ट्रैक्ट पर। प्लीज मॉम, नहीं करना। लियो, तुम समझाओ इसे, इसमें इसका ही भला है। भाई ने अजीब ही काम किया ये। उन्हें पहले पूछना तो चाहिए था। अगर तुम्हारा दिल नहीं है तो मत करो साइन, मैं बात करूंगा। थैंक यू सो मच। मैं डिटेक्टिव जॉन हूं, क्या डोमी जॉन घर पे मौजूद है? दरअसल मुझे डोमी जॉन से कुछ सवालात करने हैं मिस्टर यूरिक के बारे में। लेकिन इस वक्त उसकी तबीयत इस काबिल नहीं है कि वो आपके सवालों का जवाब दे सके। मेरा मिलना जरूरी है उससे। देखिए मैं आपसे, उनके एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह है वो, और उसी ने यूरिक की जान बचाई है। अगर वो मुझसे बात नहीं करेंगे तो उसे मसला हो सकता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? वो गवाह के तौर पर आपसे मिलने के लिए गया था, लेकिन अब आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसी को मुजरिम समझ रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गवाह बात करे, ये उसकी अपनी मर्जी पर होता है। अगर आप उससे जबरदस्ती बात करना चाह रहे हैं तो ये कानून के खिलाफ वर्जी होगी। क्या ये बात आपको मालूम नहीं? और आपके पास कोई सबूत नहीं कि डोमी जॉन मुजरिम है। फिर भी अगर आप उससे बात करना चाहते हैं तो कोर्ट से आपको लीगल नोटिस लेकर आना होगा। अपना वक्त जाया मत कीजिए, जाइए कोर्ट से लीगल नोटिस लेकर आइए, फिर बात होगी। एक मिनट रुकिए, आपकी तारीफ। मैं डोमी जॉन का पर्सनल लॉयर हूं, आप सिर्फ मुझसे बात कर सकते हैं। अच्छा, हेलो मिस चेंगसोंग, आखिरकार आपसे मुलाकात हो गई। मैं डिटेक्टिव जॉन हूं। ओह, शुक्रिया। योरा की मौत की वजह से आपको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस केस से मुतालिक मैं स्टेटमेंट दे चुकी हूं, तो अब आप मुझसे क्या पूछने आए हैं? मैं उस रात क्रूज शिप पे मौजूद नहीं था, लेकिन आपके पड़ोसी डोमी जॉन, सुना है वो आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो क्या उस रात को क्रूज शिप में आपके साथ थे? अच्छे दोस्त हैं तो वो आपके साथ आए ही होंगे। डोमी जॉन वहां नहीं था, वहां पर सिर्फ वही लोग आए थे जिन्हें। कुछ याद आया आपको? मैंने बताया ना, वो नहीं आया था वहां। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि उस रात को आपने कुछ अलग सी बात महसूस की थी? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताइए कि आप डोमी जॉन और यूरा के बारे में कुछ जानती हैं? उसका यूरा से क्या ताल्लुक? वो इसलिए कि यूरा का कोई बॉयफ्रेंड था, हो सकता है वो आपका पड़ोसी डोमी जॉन ही हो। वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं? वो दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं, कभी मिले भी नहीं। तो इसका मतलब है कि यूरा का किसी और से अफेयर था जो नहीं पता। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। क्यों, क्या हुआ, कुछ बताना चाहते हो क्या? हाँ? आप चैंग की मॉम से मिले थे आज? हाँ, तुमने डैड से बात की थी ना कि उसके लिए एक प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहते हो?
हाँ बट डैड ने तो कहा था कि तो मैंने वो कर दिया जो तुम चाहते थे। लेकिन चैंग ये नहीं करना चाहती। क्या? मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसे दूसरों की मदद लेना बिल्कुल पसंद नहीं। उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने से अपनी मॉम को साफ इनकार कर दिया है। थैंक यू, आपने उसकी इतनी फिक्र की। दोबारा बात कर लो उससे एक बार, या तुम कहो तो मैं बात करूं। नहीं, वो बहुत जिद्दी है। उसने ना कह दिया तो बस कह दिया। अच्छा चलो, जैसे उसकी मर्जी। ओके, गुड नाइट। मैं एक शख्स को जानती हूं जिसे यूरा मिला करती थी, और पार्टी वाले दिन मैंने उन्हें एक दूसरे से बात करते देखा था। क्या देखा था, बोलो। यहाँ तुम्हारे सारे दोस्त मौजूद हैं। इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। जाओ और सबको बता दो कि हम कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, और अगर तुमसे नहीं कहा जा रहा तो मुझे कह दो, मैं सबको बता दूंगी। तो क्या करना है यूरा? तुम इतना परेशान क्यों रहती हो? जब तुम मेरे साथ होते हो तो मैं परेशान नहीं रहती, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। देखो, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता। इतना मत सोचो इस बारे में, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही। आपने जो बताया वो मैंने नोट कर लिया है, यानी उन दोनों का रिलेशन आपस में बहुत अच्छा था, हाँ? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो छुपके मिला करते थे। योरा और एसईओ कंपनी का मालिक एक दूसरे से छुपकर मिलते थे। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा वैसे डोमी जॉन के साथ आपका क्या रिश्ता है? नहीं जानती कि उस शख्स से मेरा क्या रिश्ता है। क्या? अब आप जा सकते हैं प्लीज, मैं बहुत थक चुकी हूं। हेलो, एगोन मेंटल हॉस्पिटल। तुम्हें फौरन आके मुझसे मिलना होगा। ओपा, मैं पागल नहीं हूँ। इन लोगों को आकर बताओ, तुम ही हो जो मुझे इन लोगों से बचा सकते हो। प्लीज एक बार आके मुझसे मिलो ओपा। मुझे एक पेशेंट का मालूम करना है। उसका नाम है यंग जी लोशी। इस नाम के कोई भी पेशेंट नहीं है हमारे पास। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? क्या वक्त हुआ है? आधी रात हो चुकी है। कैसी तबीयत है तुम्हारी? हाँ ठीक हूं मैं। मैं तो डर गया था। अच्छा ये बताओ हुआ क्या था? तुम इतने जख्मी कैसे हो सकते हो भला? गाड़ी ने आकर हिट किया मुझे। अगर तुम चाहते तो उसे रोक सकते थे, क्यों नहीं रोका तुमने? वो गाड़ी अचानक कहां से आ गई इसी बात की हैरानी है मुझे, मगर आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। कहीं मेरी ताकत कम तो नहीं हो रही? अगर ऐसा है तो मुझे मालूम क्यों नहीं हो रहा? अगर ये सारी ताकत खत्म हो गई तो मुझे जल्द कुछ करना होगा, वरना मैं चैंग को कैसे बचाऊंगा? ओ अच्छा, इसका मतलब है कि तुम अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पा रहे और चैंग के बारे में सोच रहे हो। मुझे नहीं मालूम, अब ज्यादा दिन नहीं हूं मैं यहां। अगर वापस जाने से पहले मेरी सारी ताकत खत्म हो गई तो क्या होगा? देखो ये बात तो तय हो चुकी कि तुम इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे। मैं इशारतन चैंग को भी बता चुका हूं ये बात कि तुम बहुत जल्द यहां से जाने वाले हो। वो मिलने आई थी मुझसे? हां, ये तो तुम जानते हो कि मैंने आधी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारी है, और ये वक्त मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त है। तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें किस तरह बुला पाऊंगा? कभी सोचा है तुमने? जो तकलीफ मैं महसूस करूंगा और चैंग ना करे, यही सोचकर मैंने उसे ये बता दिया
कि तुम यहां से जाने वाले हो, और प्लीज तुम भी अपने जज्बात को काबू में रखो वरना चैन के लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं जानता हूं कि वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। तुम्हारी और उसकी बेहतरी यही है कि तुम एक दूसरे से दूर रहो, और जब तक तुम यहां हो मैं तुम्हें इस हाल में बिल्कुल नहीं देख सकता। तुमने मुझसे क्या कहा था याद है? तुमने मुझसे कहा था कि तुम कभी भी किसी भी इंसान से प्यार नहीं कर सकते, तो क्यों अब अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हो? अपने लिए और मुश्किलात मत बढ़ाओ। 400 साल पहले भी तुम एक लड़की को बचाना चाहते थे लेकिन तुम नहीं बचा सकी थी, और अब दोबारा तुम वही कोशिश कर रहे हो। तुमने जितना कर दिया वो बहुत है। तुम हर जगह हर वक्त उसके लिए नहीं लड़ सकते। जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूं समझ रहे हो ना? यही बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए भी और चैंग के लिए भी। मैं तुम्हारा दोस्त हूं और तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता, खास तौर पर उस वक्त जब तुम हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाले हो मुझे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं पूछने आई थी कि अब तबीयत कैसी है उसकी। हाँ, वो बेहतर है अब। वैसे आप फिक्र मत कीजिएगा, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता मैं उसका ख्याल रखूंगी। वैसे भी कुछ दिन मैं घर पर ही हूँ और उसने भी तो मेरा बहुत ख्याल रखा है। अब शायद इसकी जरूरत नहीं होगी क्योंकि बहुत जल्द वो ये फ्लैट छोड़कर जा रहा है। क्या? मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वो जाने वाला है, और मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि दूर रहो उससे। वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बार बार जाकर उसे परेशान मत करो। क्या हालत कर दी तुम्हारी, इतनी हिम्मत किसकी हुई कि एक पुलिस वाले पर हमला कर दे? हाँ, यूरिक उस आदमी का चेहरा देखा था तुमने? उसने पीछे से वार किया, नहीं देख पाया। जब तुम बेहोश पड़े थे तो मैंने तफ्तीश की थी लोगों से, दो ट्रक ने तुम्हें घेरा हुआ था और तुम्हारे पीछे से हमला किया किसी ने। हाँ, वो जानते थे कि सीसीटीवी कैमरास कहाँ लगे हुए हैं, और मजे की बात वो सारी गाड़ियां चोरी की थी, मगर एक कीमती चीज मिली है, दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो पेन, ये बहुत नया पेन है, हाथ से कारीगरी की गई है और 400 साल पुराना है। इसकी मदद से क्या झट से पकड़ लूंगा उस आदमी को। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बरवक्त इलाज ने मेरे बेटे को जिंदगी दे दी। ये ठीक हो गया है ना? जी जी, अब ये काफी बेहतर हो चुके हैं, बस ध्यान रहे ये दवाइयां टाइम पर लेते रहें। अभी सर का दर्द कैसा है, बेहतर है? जी, काफी बेहतर है। कुछ अरसे तक तुम्हारे सर में दर्द कभी कभार हुआ करेगा, जूस और फ्रूट्स का इस्तेमाल बाकायदगी से कीजिएगा। रुकिए, आप इस वक्त यहाँ ऑफिस के काम लेकर क्यों आए थे? मैंने तो सिर्फ अपने काम की बात की है और कुछ भी नहीं। आप तो अपने बेटे को जानती ही है, काम के बगैर उसे चैन नहीं आता, और आपकी बेटी सीमी भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, इसमें कोई शक नहीं। वो बिल्कुल आप पर गई है, सच्ची में। मॉम, भाई हॉस्पिटल से आ गए। सीमी बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम थोड़ी देर बाद आ जाओ, मुझे मॉम से बात करनी है। ओके मैडम।
तुम्हें मालूम है सिमी, युनरा ने सुसाइड नहीं की थी, बल्कि उस रात युनरा का किसी ने शिप पर कत्ल कर दिया था। किसने मारा उसे? नहीं मालूम, पूरी बात नहीं सुन सकी। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें इस बात का इल्म था कि उसने सुसाइड नहीं किया है? जवाब दो मुझे। मुझे कैसे मालूम होगा? तुम सोंग ये की जगह ले चुकी हो, उसके सारे कमर्शियल्स, उसकी सारी फिल्में अब तुम्हें ऑफर होती हैं। ये वक्त बहुत कीमती है, सोंग ये को वापस नहीं आने देना।유재민 씨의 인기가 정말 대단합니다. 만년 주인공 친구에서 이제는 당당한 주인공으로 벌써 CF를 몇 개나 찍으신 거예요. 2014년 벽도는 새로운 히로인 유재민 씨의 것이 아닐까 싶은데 기분이 어떠세요? 감사합니다. 인기라니 촬영장에만 있어서 아직 실감이 안 나요. 이제 드라마가 화려한 종영을 앞두고 있고 또 차기작을 준비 중이라고요. 아, 네, 이번엔 영화인데요. मुझे आपका आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। अच्छी बात है, फिर तो काम करने में मजा आएगा। डायरेक्टर कौन है? सपोर्टिंग रोल कौन कर रहे हैं, कुछ मालूम है? अभी तो उस करेक्टर के लिए हम लोग ऑडिशंस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको चैंग सॉन्ग से बात करनी चाहिए। चैंग सॉन्ग? मगर उस पर तो केस चल रहा है ना, यूरा के मर्डर की वजह से। काम से इस केस का कोई ताल्लुक नहीं है, और मैंने सुना है कि वो केस जल्द ही रिजॉल्व होने वाला है। अच्छा, लेकिन उसकी रिपोर्टेशन काफी खराब हो चुकी है। इसीलिए कह रही हूँ कि उसे कास्ट कर लें। आप अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, लेकिन मूवी के अंदर पहला लीड रोल है मेरा। अगर चैंग सॉन्ग भी इसमें होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, मैं जानता हूँ अच्छी तरह, आप चैंग सॉन्ग की फ्रेंड भी हैं। मैं बात करके देखूंगा उससे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ये रोल करे। नहीं नहीं, वो करेगी, मैं जानती हूँ उसे। ऐसे छोटे रोल मैंने भी 15 साल किए हैं उसके साथ। मिस्टर डोमी जोंग अपना ये फ्लैट बेचना चाहते हैं, वो भी कम कीमत में। ऐसा फ्लैट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मशहूर मॉडल चैंग सॉन्ग भी बराबर वाले फ्लैट में रहती है, वो आ रही है। और भी बहुत सी मॉडल्स रहती हैं यहाँ, तो इस घर की कीमत बहुत कम लगाई है, क्योंकि इसका मालिक इसे बहुत जल्द बेचना चाहता है। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, इसे जल्द खरीद लें। उसके डैड ने तो कहा था कि वो घर पर ही होगा, पता नहीं क्यों दरवाजा नहीं खोल रहा। घर पर है भी या नहीं? ओफो, एक्सक्यूज मी, क्या आप यहाँ ये फ्लैट खरीदने के लिए आए हैं? ओह, मिस चैंग सॉन्ग, कैसी हैं आप? दरअसल इस फ्लैट के मालिक ने कहा था कि वो फ्लैट बेच रहे हैं, इसीलिए आया था यहाँ। अच्छा, सही। अगर आप माइंड ना करें तो कुछ बताना चाहती हूँ मैं। क्या? बताइए। इस फ्लैट में भूत है। क्या? अक्सर आवाजें सुनी है मैंने, जोर जोर से रोने की, चिल्लाने की आवाजें आती हैं, और वो कहता है कि बचाओ मुझे। मिस चैंग सॉन्ग, इस तरह आप मेरी कस्टमर को क्यों डरा रही हैं? इस तरह तो ये डरकर भाग जाएंगी और फ्लैट नहीं खरीदेंगी। और मैंने तो इस जगह के बारे में आज तक कोई भी ऐसी बात नहीं सुनी, आपको जरूर गलतफहमी हुई है। ओ, अच्छा, यहाँ रहता कौन है, आप रहते हैं या मैं? जो मैं बता सकती हूँ आपको, वो कोई नहीं बता सकता। ये जगह बहुत खतरनाक है। न जाने कितनी भटकी हुई रूहें यहाँ रह रही हैं, और पता नहीं कब से। बूढ़े, बच्चे, औरतें, अजीब सी आवाजें, बहुत ही खतरनाक। इनकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा, ये सब अफवाहें हैं। हॉस्पिटल नहीं जा रहा वो, और डिटेक्टिव भी उसके बारे में पूछताछ कर रहा था। और उसके डैड ने तुमसे कहा कि वो बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाला है। तुमने बताया था कि उसने अपनी डायरी में भी ऐसे ही लिखा हुआ था। 2 महीने पहले की बात है। आखिर वो है कौन? बस है एक अजीब सा लड़का। उसकी बातें सुन के लग रहा है कि वो बहुत ही मगरूर किस्म का इंसान है। नहीं, ऐसा नहीं है वो। तुम्हें उस शख्स पर इतना यकीन क्यों है चैंग? अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो वो हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहा? वो डिटेक्टिव क्यों पूछने आया था? कोई तो गड़बड़ है।
ये बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें ये बात पुलिस को जाके बता देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? तुम उसके क्राइम्स को छुपाना चाहती हो, तुम उसे नहीं बचा सकती। वैसे थोड़ा बात कानून मैं भी जानती हूँ, अगर वो मुझसे शादी कर लेता है तो उसकी ये प्रॉब्लम हल हो सकती है। तुम पागल हो क्या? उसे बचाने के लिए तुम उससे शादी करोगी? बस उसे बचाने के लिए। पागल मत बनो चैंग, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। बात सुनो, ये जो हैंडसम सा लड़का अंदर गया है, ये कौन है? वो भाई है मेरा, कुछ दिनों से साथ रह रहा है। सच में? ये वाकई तुम्हारा भाई है? मुझे यकीन नहीं आ रहा, कभी मिलवाया ही नहीं। कौन आया होगा, देखती हूँ। मैंने सोचा शायद तुम्हें भूख लग रही हो। ये इतना खूबसूरत लड़का कौन है और किससे मिलने आया है यहाँ? तुमने इसे पहचाना नहीं? ये लियो है। ये लियो है? तुम इतने जल्दी इतने बड़े हो गए। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे पहचाना? नहीं मुझे याद नहीं। हम लोग 7 क्लास तक क्लासमेट रहे हैं, तुम्हें याद नहीं? तुम तो वाकई भूल गए। स्कूल में एक दफा तुमने मुझे बहुत बुरी कोनी मारी थी, मैं बहुत रोई थी। अच्छा? फिर तुम्हारी मॉम ने मुझे बहुत सारी स्टोरीज बुक्स दी और मुझे चुप कराने के लिए बहुत सारी कैंडीज दी। ऐसा हुआ था? I'm sorry. सॉरी कैसी, बचपना था वो। तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? सुबह से कुछ खाया भी है तुमने? तुम्हें जो पसंद है वही लेकर आया हूं मैं, ये लो। लकी गर्ल। जी क्या मदद कर सकता हूँ? हमें मालूम हुआ है कि यूरा और आप रिलेशन में थे, और जिस दिन यूरा की डेथ हुई उस दिन आप शिप पर उसे मिले भी थे। क्या? मैं? आपसे ये बात किसने कह दी? आई एम सॉरी, ये तो हम नहीं बता सकते। आप हमें सिर्फ ये बताइए कि उस रात यूरा से आपकी क्या बात हुई थी। बताना शुरू कीजिए ताकि आपका वक्त जाया ना हो। क्या उपा मुझे बुला रहा है? जी हाँ। कहाँ पर? बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है तुमने मुझे, इतना प्यार करते हो मुझसे उपा। तुम जानती हो कि अपने आप से ज्यादा चाहता हूँ तुम्हें, देखा तुमने तुम्हारे लिए कितना अच्छा सरप्राइज रखा मैंने, आई होप अच्छा लगा होगा। कहीं तुमने इतना सब कुछ इसलिए तो नहीं किया कि मैं लोगों को हमारे बारे में कुछ ना बताऊं? पियो। मेरा अभी पीने का मूड नहीं है। मेरा साथ नहीं दोगी? ये ड्रिंक तो तुम्हारे पसंद की है ना? कुछ ही देर में फायरवर्क्स होंगे यहाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? बहुत अच्छी लग रही हो तुम। वाकई? वैसे एक बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, तुम इतने अच्छे इंसान हो, लविंग हो, केयरिंग हो, तो फिर तुम्हारी बीवी ने तुमसे डिवोर्स क्यों ली? उसने तुम्हें ठीक से पहचाना ही नहीं होगा। खैर छोड़ो उसकी बातें, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूं उपा।
मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी। हाँ, तुम मुझे धोखा नहीं दोगी, जानता हूं अच्छी तरह। वैसे ये है तो बहुत मजे की, लेकिन अजीब सा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं मुझे। क्योंकि इसके अंदर कुछ और है, अब तुम्हारा दिमाग काम करना छोड़ देगा। क्या? कुछ देर में तुम्हें महसूस होगा कि ना तो तुम्हारे हाथ हैं ना पैर, तुम्हारा दम घुटेगा, ज़बान लड़खड़ाने लगेगी, दिल की धड़कन रुक जाएगी और फिर ऐसी नींद आएगी कि तुम कभी भी नहीं उठ पाओगे। इसमें तुम्हारी ही दवा है, बस सर डोज ज्यादा होगा। अब लोग ये समझेंगे कि एक सेलिब्रिटी ने ज़हनी दबाव की वजह से खुदकुशी कर ली। उपा, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? ये कोई मजाक नहीं, हकीकत है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं जानता कि आप क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन मेरा उससे कोई खास ताल्लुक नहीं था। प्रोफेशनली हम मिलते थे, वो हमारी प्रोडक्ट्स की एम्बेसडर थी। उस रात भी हम लोग बस बिजनेस की बात कर रहे थे, हम अपनी एम्बेसडर तब्दील करना चाहते थे। हमारी कोई बहस नहीं हुई। आई एम सॉरी, मगर आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। मुझे एक मीटिंग में जाना है, मैं इजाजत चाहूंगा। क्या बात है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी तुमसे कि मिलने के लिए बुलाओगे, लेकिन हैरत है कि जिंदा हो अभी तक। तुम हो कौन? यह जानना जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए, जैसा तुम चाहते हो वही होगा। तुम चाहते हो मैं सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लूं और फिर कहीं दूर चला जाऊं यहां से? ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, मगर इसके बाद तुम कुछ नहीं करोगे। घर पर है भी या नहीं? वैसे कोशिश करूं तो वहां जा सकती हूं। डरने की जरूरत नहीं, हवा।
हवा में लटकी हुई हूँ सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। क्या? तुम बोलते रहो, मैं सुन रही हूँ। क्या कहना है? कोई खास बात है? क्या मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए मिल सकता हूँ? तुम मुझसे मिलना चाहते हो? ओके, मैं आती हूँ, मैं भी आ रही हूँ। बैठ गया वो, दरवाजा भी नहीं खोला इसने। चलो कोई बात नहीं, कम से कम मिलने तो आया। तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए, बहुत जल्दी रिकवर कर लिया तुमने। वैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम कुछ कहना चाहती थी ना मुझसे? हाँ कहना था, अब मुझे तुम्हारे बारे में और कोई बात नहीं जाननी। क्यों? क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या करते थे। 지금 말 못할 사정이 있든 상관없어 진짜. 눈 떴고 일어났고. तुम आज मुझसे मिलने आ गए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तुमने बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, तुमने खुद मुझे फोन करके बुलाया है। तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारी और उसकी बेहतरी यही है कि तुम एक दूसरे से दूर रहो। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इतने दिन गुजर चुके हैं और मैंने उसे देखा भी नहीं। मैं भी उसे चाहता हूं, बहुत चाहता हूं उसे। जेंग, कैसे बताऊं मैं उसे ये? मैं अब नहीं रह सकता उसके बगैर। तुम जा कहां रहे हो? दूर जा रहे हो कहीं? यूरोप का प्लान तो नहीं? देखो कम से कम इतना तो बता दो। वैसे तुम कहीं भी जाओ मैं चल सकती हूँ तुम्हारे साथ। शूट के लिए भी तो जाती रहती हूँ बाहर, अब अगर तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मुझे बहुत मजा आएगा। तुम्हारे साथ रहना मुझे वैसे भी अच्छा लगता है। कहीं तुम मेरी वजह से तो घर नहीं छोड़ रहे? बहुत तंग किया है ना मैंने तुम्हें, अब नहीं करूंगी वादा, बस जाना नहीं। हिम्मत खत्म हो गई है मेरी, और धोखा नहीं दे सकता। चाहता हूं जब तक यहां हूं सारा वक्त उसके साथ गुजारूं। आपको लग रहा था मैं सो रहा हूं, मगर ऐसा नहीं था मिस्टर जेंग। मैं इस डर से आंख नहीं खोल रहा था कि चेंग सॉन्ग मुझसे फिर ना बिछड़ जाए, लेकिन ख्वाब को तो टूटना ही होता है। हकीकत तो यही है कि मुझे उससे दूर जाना है। अच्छा क्या तुमने कुछ गलत किया है? हर कोई तुम्हें मुजरिम समझ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मैं लोगों की बातों का यकीन नहीं करती। तुम मेरी वजह से परेशान मत होना, ओके?
कुछ लगा हुआ था। इन्होंने दरवाजे बंद नहीं किए थे क्या? तुमने कैसे खोल लिए? तुम्हारे पास तो यहाँ की चाबी भी नहीं है। ये जगह चुनी है तुमने डिनर के लिए? इतनी खौफनाक और ड्रावनी। यहाँ तो कीड़े मकोड़े ही मिलेंगे खाने के लिए। चैंग सॉन्ग, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझ पर भी भरोसा नहीं करना। तुम्हें यहां बुलाने का मकसद यही है कि तुम जान लो कि जिस आदमी पर तुम भरोसा करती हो वो कौन है और कैसा है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, और तुम इस तरह डरा हुआ चेहरा मत बनाओ, मुझे अजीब लग रहा है। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम जानना चाहती थी ना कि 12 साल पहले जिसने तुम्हारी जान बचाई वो आदमी कौन है? जिसने तुम्हारी जान बचाई थी वो मैं हूं। तुम्हें मैंने इसलिए बचाया था क्योंकि तुम उस लड़की की तरह लगती थी जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था। ये पेन उसी लड़की का है, 400 साल पुराना। तुम्हारा बचपन बिल्कुल वैसा ही था। उस वक्त तो मैं हैरान ही रह गया था। क्या बातें कर रहे हो तुम? ये पेन तुम्हारा है? 400 साल पुराना पेन? और तुम क्या 400 साल पहले भी मौजूद थे? बिल्कुल, मैं तुम्हारी दुनिया से नहीं हूं। 400 साल पहले यहां आया था मगर किसी वजह से वापस नहीं जा पाया। 400 सालों से तुम्हारी दुनिया में हूं। टॉमी जॉन, चलो घर चलते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। चलो आ जाओ, चलो। कहाँ जा रही है? क्यों यकीन नहीं आ रहा? मैंने जो कहा वो सच है। मैं डॉमी जॉन नहीं हूं और ना ही तुम्हारी दुनिया से।떠날 날이 다가오고 있는데 기분이 어떠냐고요? 글쎄요.